जाते हैं, लोगों के साथ बात करते हैं, तो हमें भी कुछ नहीं मिलता इस तरह। बट मैं अब यही चाहूँगा जैसे हम लोग अपनी स्कूलिंग करके आए हैं, तो जैसे हम लोग पढ़ते हुए आए और हमने कमिटमेंट रखा कि जब तक हमारी कोशिश एंड टू एंड होगी हम उस पर स्लो फास्ट स्टडी जिस मौके पर होंगे हम वैसे एक्ट करेंगे। जब बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, तो स्लो, जब थोड़ा फ्री लगते हैं तो थोड़ा स्टडी हो जाओ। जब बहुत ज़्यादा टाइम है, अच्छी जगह पे पहुँच चुके हैं, देन हम अपना सैटरडे संडे कोई हॉलीडे हम कॉन्टिन्यू करते हैं। और यही हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आने वाले टाइम में जब भी आप बड़े और हो जाएंगे, जिम्मेदारियाँ हो जाएंगी, आपके बच्चे हो जाएंगे, आपकी फैमिली बढ़ जाएगी, उस समय भी आप इसी तरह की लाइफ में और अच्छा लगेगा, पैशन अच्छे से खुशी होगी और ग्रोथ होगी। और दूसरा जो है, कोशिश करो वॉलंटियरिज्म को बढ़ावा दे, उसको अच्छे से काम करो। जहाँ भी कहीं रहो, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ओल्ड एज होम है, बच्चों का होम है, जुवेनाइल होम है, हेल्थ सेंटर है, पोलियो का टाइम है, जब भी मौका लगे जो नीड है उसको हेल्प करना। एक्शन पार्टनर, यंग एक्शन पार्टनर रहे, है ना, यूथ डेवलपमेंट पार्टनर रहे, देश की ग्रोथ के लिए एक हिस्सेदारी दें। तो ये जब देंगे तब जाके हमें भी एहसास होगा कि हाँ, जिस कदम को हमने उठाया वो कदम आपने अपने आगे वाली जनरेशन के पास ले गए, वो आगे वाली जनरेशन को। ऐसे ही ये सृष्टि का नियम है और ये कई कई निरंतर बहुत बहुत वर्षों से, हज़ारों सालों से चीज़ें लिखी जा रही हैं, पढ़ी जा रही हैं, वो आगे जा रही हैं। वो तभी जा पा रही हैं जब लोगों ने वॉलंटियरी एस्पेक्ट की। ऐसा नहीं है कि जो केवल सैलरी पर काम करते हैं बंद कर देते, नहीं, बहुत से लोगों ने किताबें लिखी हैं, दूसरों के लिए लिखी हैं, अपनों के लिए लिखी हैं, वो इन्फॉर्मेशन आज हमारे तक आती है, हम वो आगे चीज़ को फॉरवर्ड करेंगे। तो अपने अंदर एक राइटिंग की हैबिट डालो, राइट स्टोरीज। आप अगर गांव के रहने वाले हैं तो गांव से देखो कि कैसे मौसम बदला है, जरूरी नहीं मौसम में कोई और थॉट है, गरीबी है, हाँ। अब जैसे आज वो एक तिवारी करके, दिशा तिवारी एक लड़की है इंदौर से, आज हमने टीवी पे देखा मॉर्निंग में, दिशा तिवारी ने बचपन से एक चीज़, उसकी फैमिली में उसके दादाजी की डेथ जो है स्मोकिंग से भी, वो बहुत सिगरेट्स पीते थे, तो उसने बचपन से ही वो कदम उठा लिया। ये कहती थी कि मैं ना नहीं देखती किसी को, कहते हैं लोग माने नहीं माने, मजाक उड़ाएं, लेकिन मुझे जो पीते हुए दिख जाता है मैं उसके पास जाती हूँ और उसको एक बार बोलती हूँ अंकल सिगरेट पीना छोड़ दे, सॉरी। तो आज उसने 2300 मतलब 200 मतलब 500 शायद उन लोगों ने अपनी सिगरेट छोड़ दी उसके कहने पर। आज 12 ईयर्स है ना, और शायद 7-8 साल से उसने शुरू किया था, तो आज उसको टेलीविज़न चैनल पे अवार्ड किया गया ABP न्यूज़ का। और वो आपकी जैसे आपकी छोटी बच्ची है, तो कोई भी चीज़ अनोखी हो सकती है, आपके ऊपर तय करते हैं आप कैसे उसको इनोवेटिव सोचते हैं, उसको पेश करते हैं, उसको लिखने की फॉर्म में, बोलने की फॉर्म में, उसको एक्टिविज़म की फॉर्म में, कम्युनिटी में कोई काम करने की फॉर्म में, बहुत सारे तरीके। जिस मकसद से पढ़ रहे हैं वो तो है ही है, लेकिन पढ़ाई के साथ अगर हम समाज के लिए भी कुछ कर पाएंगे तो पढ़ाई का असल मकसद तब साबित होता है। ये बहुत अच्छा लगा जब आप लोगों ने क्लासरूम में गरीबी के ऊपर बताया कि हम काम करना चाहते हैं। इस सेक्टर में बहुत कम लोग आते हैं ना, सबसे पहला एम बच्चों का यही होता है, पेरेंट्स का, कि वो पढ़ाई कर रहे जिससे लाखों रुपये मिल जाएँ, यही होता है ना, लाखों रुपये कमाओ वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ में वो भी चीज़ कमानी है जिससे समाज में चलाते हैं ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उसने कॉल किया और हम सबको लाए, इनको भी थैंक किए, अपनी छुट्टी वाले दिन आ जाते हैं निकल के बाहर, और नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे तो जो ये बता रहे थे नवनीत इवैक्यूएशन प्लान है, कैसे ड्रिल करनी है, इन चीज़ों को भी आपके ही थॉट से डिस्कस करेंगे, आप ही लोगों ने नए नए रास्ते बताए। जब हम ग्रुप में थिंकिंग करते हैं, ग्रुप में डिस्कशन करते हैं, तो बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन बनती है, नई सारी चीज़ें बनती हैं जो शायद किसी के पास नहीं। थैंक यू वेरी मच सर, सर सब कहूँगा ये वॉलंटियर्स जी सर को मैंने एक बार कहा, और अपनी टीम के साथ आए और आपके साथ चर्चा रखे। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू त्रिवेदी जी, लवली जी, शरद जी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुमित करमवीर जी, हर एक ने अपने अपने विचार रखे। और मुझे लगता है आपने डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर या कैटल के बारे में उन्होंने बताया, या छोटी छोटी एक एग्जांपल दिया कि 12 साल की लड़की ने कैसे लोगों से सिगरेट छुड़ा दी। एक छोटी सी सोच से आप कितना बड़ा काम कर सकते हैं,
हमारे अंदर एक पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, कार्य करने की हमारे अंदर भावना होनी चाहिए। और NSS का लोगो अगर आप देखते हैं तो सेकंड बोर्ड लगा हुआ नॉट मी बट यू, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए सेवा के लिए कर। तो NSS में कई सारे आपके सामने गेस्ट मास्टर्स आए, या हम हमारी आश्रम से आए, या त्रिवेदी जी यहाँ पर आए। तो ये लोग देखिए संडे को अपना ऑल आर एजुकेटेड पीपल एंड डूइंग सम जॉब इन वेरियस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन सोसाइटी के लिए करने के लिए इनके अंदर कुछ भावना है, दे वांट टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। और वो लेकर के ऐसा नहीं कि ये भी अपने घर में बैठे आज आराम कर सकते थे या अपना काम कर सकते थे, ऐसा नहीं है। चलो कहीं ना कहीं जागरूक करें। और एक NSS एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम आप लोगों को सिखाते हैं कि आप जाकर के समाज के लिए कुछ कीजिए। अपने लिए तो सारे करते हैं, अपने लिए तो बढ़िया आश्रम के लिए सभी सोचते हैं, 18 डिग्री AC में तो सभी सोचते हैं ये ठंड में बड़े आराम से रहें, लेकिन हमें दूसरों के लिए भी सोचना है। अगर मेरे पास AC है तो मैं दूसरों की ज़िंदगी को कैसे अच्छा बना सकूँ। 18 डिग्री में हमने तो बिजली कंजप्शन कर लिया, लेकिन दूसरे का आंख कुछ नहीं। अगर मैं 4 रोटी ज़्यादा खा रहा हूँ तो 4 रोटी मैं किसी और की ले रहा हूँ। लॉ कंजर्वेशन, आप कहते हैं लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी सेम है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। किसी के पास पैसा इतना है तो हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा है, कहीं है तो आज भी अगर मैं कहूँ सर यहाँ बड़े बुद्धिजीवी हैं, हिंदुस्तान में अरबपतियों की कमी नहीं है, लेकिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। किसी के पास एक वक्त का खाना नहीं है और किसी के पास खाना इतना है कि ये चीज़, ये जागरूकता लानी है, समाज में जागरूकता लानी है। और जागरूकता कैसे ला सकते हैं इसको हम, ऐसे ऐसे छोटे छोटे काम करके। मैं तो बड़ा 15 के 12 साल की लड़की ने आज ये कर दिया, कहीं किसी ने कर दिया। एक सर ने कहा कि लिखने की एक हैबिट होनी चाहिए, ठीक है, तो आप लोगों में ये हैबिट होनी चाहिए। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी आपकी जो बुक्स आप जो पढ़ते हैं किताबें, अभी IAS IPS ऑफिसर लगते हैं, इनको ट्रेनिंग दी जाती है मंसूरी के अंदर कि कैसे जो है अपने कंट्री, वो बात अलग है बाद में जाकर के वो भ्रष्टाचार लिप्त हो जाते हैं, हमारे की अपनी अलग अलग मेंटली, लेकिन ये बताया जाता है कि सोसाइटी कैसे हेल्प करें। तो मैं दोबारा से टीम का पूरी का बहुत दिल से धन्यवाद हूँ कि यहाँ पर आए, और मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ मुझे भी सीखने को मिला। मैं तो कई साल से NSS के त्रिवेदी जी से कई बार जुड़ा हूँ, कुछ सालों में सर आपके साथ तो मैं अभी नई मुलाकात हुई, मैं भी सर से कहा कि मुझे भी जोड़िए, ताकि अभी तो कुछ लोग कहीं कहें कि यार दिनेश भी आया था और उसने हमें कोई एक आदमी भी कह देता है मेरे लिए काम, अगर आप एक आदमी तारीफ करता है तो मोर देन सर। और एक पेड़ एक जिंदगी सर हमने शुरू किया, एक पेड़ एक जिंदगी, मैंने कई प्लांटेशन कराए, मैंने अपने हाउस के पीछे 40 पेड़ लगाए, अगर मैं आज देखने जाऊँ तो शायद 10 पेड़ भी सर्वाइव नहीं कर, जबकि वो हॉस्टल में हमारे बच्चे रह रहे। हम लोग बहुत अच्छे प्लांटेशन करते हैं, लेकिन सिर्फ उसी दिन प्लांटेशन करते हैं सब भूल जाते हैं। और जो हमारे सबसे ज़रूरी ऑक्सीजन जैसा ने बताया जो मछली जो मैं ऑक्सीजन भेजी, मुझे एक बारी में मथा में गया था, वहाँ मैंने देखा जहाँ शमशान घाट था, वहाँ लिखा होता है लकड़ी आपके पैदा होने से लेकर के मृत्यु तक ये लकड़ी आपके काम आती है, और उसी को जो हम जब ये वन ही नहीं रहेंगे, ये वृक्ष ही नहीं रहेंगे, तो हमारा जो ये आपको जो हजार से डिजास्टर्स जो कहे इन्होंने, चाहे वो न्यूक्लियर डिजास्टर्स हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डिजास्टर हो, वेरियस डिजास्टर्स आ गया, ये सब इन्हीं की वजह से अगर आप लोग वातावरण को खराब करेंगे, चाहे मैं भी ज़्यादा सर आपसे बोलना चाहिए तो मैं आपका द्वार से बड़ी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। तो आप लोग अब मैसेज करेंगे, हम लोग जब नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको, थैंक यू।